नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे वीडियो साथी। आप लोगों ने लेकर आया हूँ एक और नई वीडियो जो कि छक्का की है। जैसे कि आप लोगों ने काफी तरह के कब्जे लगाए होंगे, आलम लगाए हैं, पॉलिश भी लगाए हुए हैं और एलवेरा कब्जे लगाए हुए हैं, ठीक है। लेकिन आज मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को डायबिटीज कब्जे को किस तरह गलाया जाता है और किस तरीके से इसको गलाने के बाद लगाया जाता है, लगाने के बाद इसको किस तरीके से पल्ले को चलाया जाता है। तो कुछ भाइयों की कमेंट आई थी ये डायबिटी, मेरे यहाँ डायबिटी बोला जाता है इस पर कब्जे को, आपके यहाँ क्या बोला जाता है आप जानते होंगे, बट मेरे यहाँ डायबिटी बोला जाता है। तो इसे डायबिटी कब्जे को मैं गला के और लगा के इसके बाद पल्ला चला के दिखाऊंगा। एक चीज मैं बता दूँ दोस्तों आपको, ये पौन आधा पौन के जो कब्जे होते हैं छपट वाले, उससे कहीं ज़्यादा बेटर होता है और ये 3 इंच के जो कब्जे सादा वाले आते हैं उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है ये कब्जा। ये टक्करी अगर आपको बोर्ड चलाना है, टक्करी अगर आपको पल्ला चलाना है, तो इस कब्जे का इस्तेमाल कीजिए। जहाँ तक मैं आपको बता दूँ, एयरवेरी किचन में ठीक है, किचन में लगते हैं, लेकिन अगर आप कभी भी बड़ी अलमारी बनाते हो तो आप इनको लगाइए, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही गजब का कब्जा है ये। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि कब्जे को किस तरह लगाया जाता है और कैसे इसको लगाया जाता है। तो ये कब्जा है, मैंने यहाँ इसके निशान लगा लिया है। इस कब्जे को गलाने का तरीका ये है कि यहाँ पे आप इसे निशान लगा के इस तरीके से इसको पेंसिल खींच लेंगे, ठीक है, इस तरीके से इसमें, और पेंसिल खींचने के बाद इसको ऐसे लगाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से होगा। पहले मैं आपको गला के बता देता हूँ कि किस तरीके से इसको गलाया जाएगा। आप इसे निशान लगाने के बाद काटेंगे दोनों तरफ से, ज़्यादा नहीं, 200-250 फूट काटेंगे। इस तरीके से हम इसे गलाना शुरू करेंगे। साथ ही जैसे कि आपने देखा, ये जो कब्जा मेरा गल चुका है और इसके बिल्कुल लेवल ले लिया है, ठीक है। तो इसके लेवल रहेगा ये कब्जा, आप जो है बिल्कुल लेवल रखेंगे, तो यहाँ से भी पूरा बराबर रहेगा और ये यहाँ से लेवल। इस तरीके से इसको बढ़ाएंगे। इसको क्या है, हमें पेच लगाना होता है, तो अभी हम इसको खोलने के बाद ऐसे कर लेंगे। अच्छा दोस्तों, एक जो है कब्जा आता है लॉक वाला, अगर वो लॉक वाला होगा तो दोस्तों वो खुलेगा नहीं, वो केवल इतना ही खुलेगा बस। ये लॉक वाले में थोड़ी दिक्कत होती है पेच कसने में, और ये पेच कसने में दिक्कत ज़्यादा होती है लॉक वाले में, ठीक है। और उसमें क्या है कि ये सरिया पे से फिर इसको सरिया से खोलना पड़ता है, तो ये ज़्यादा बेटर है, इसमें आसानी से आप काम कर सकते हैं ऐसे करके, और इसमें जो है आप पेच लगा। तो साथ ही यहाँ पे हमने कब्जा लगाना है, ये हमने गलाई दिया है और हम कब्जा लगाएंगे ये इस तरीके से। पहले इसको यहाँ रोक देंगे, तो कर लियो अलग पेज कर लीजिए छोटो। तो साथियों, यहाँ पे पेज हमने आधा ठोक लिया है और आधा जो है पेज हम स्क्रू टाइट करेंगे, क्योंकि आधा पेज लगाने के बाद टाइट करने में ज़्यादा आसान रहता है। अभी हमने जो है कब्जे को टाइट कर दिया है। तो दोस्तों, ये जो अलमारी है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये अलमारी 12 फुट के पटाप पे है और 11.5 में मैंने इसको बनाया है। इसकी जो चौड़ाई है अंदर 31.1 है, बाकी ये जो है 32.3 है, ठीक है। तो इसको जो है मैंने पूरा ये नीचे तक बना के तैयार कर रहा हूँ। इसमें जो है अभी काम बाकी है। ये पल्ले जो मैं बता रहा हूँ आपको किस तरीके से लगाए जाते हैं, ये जो है कब्जा आपको बता रहा हूँ कि यहाँ कैसे लगाया जाता है, ठीक है। इस तरीके से ये कब्जा लगता है, इसमें इतना गैप रहता है, लेकिन काफ़ी बढ़िया रहता है चलने में भी और काफ़ी मजबूत होता है। तो दोस्तों, मैंने जो है आधा पेच ठोक दिया है और आधा पेच ठोकने के बाद ये स्क्रू ड्राइवर से टाइट कर रहा हूँ, और इसी तरीके से ये जो है स्क्रू ड्राइवर से टाइट होंगे सारे पेच। ये थोड़ा हार्ड है बोर्ड, इसलिए थोड़ा ताकत लगाना ज़्यादा पड़ रहा है इसमें, बट काफ़ी अच्छा भी है बोर्ड। दोस्तों, ये जो पल्ले मैंने अभी बनाए हैं, अभी अधूरा काम है। मैंने सिर्फ आपको इतना बताया कि ये जो पल्ले हैं किस तरीके से लगाए जाते हैं, ये डायबिटी कब्जा बोला जाता है, ठीक है, इनको किस तरीके से लगाया जाता है। और इसके अलावा सारा काम अभी आपको पूरा काम होना बाकी है, और पूरा काम होने तक आप वीडियो देखते रहिएगा। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी कंप्लीट वीडियो दिखा दूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, गुड बाय दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।